नमस्कार। कक्षा 11 के सिलेबस में हम चल रहे हैं और नेक्स्ट क्लास आपकी डे 47 चैप्टर संख्या 5 चल रहे हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम घर्षण बल और घर्षण लिख दें या घर्षण बल लिख दें की बात है। घर्षण का मतलब घर्षण बल से ही है। पहले तो बात करें घर्षण है क्या, फिर बात करेंगे इसके प्रकार क्या है। जो घर्षण पढ़ लेंगे वही घर्षण के प्रकार भी वैसे ही कोई ज्यादा अलग बात नहीं है। घर्षण क्या होता है सिंपल भाषा में तो ये कहते हैं भाई रगड़ना जो होता है किसी वस्तु पर रगड़ लगती है उसको ही घर्षण कहते हैं। लेकिन क्या काम आता है घर्षण? नॉर्मली अगर इसको डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ बुक तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर किसी वस्तु को किसी सतह पर रखा जाता है ये गति करवाई जाती है, खिसकाया जाता है तो संपर्क सतहों के मध्य। अब ये संपर्क सतह क्या है, अभी पिछली क्लास में हमने बात की थी संपर्क सतह क्या है। ये संपर्क सतह जहां वस्तु टच कर रही है, ये तो जैसे फर्श है मान लो और फर्श पे कोई बक्सा रख दिया तो ये फर्श की सतह और बक्से की है निचली सतह दोनों एक दूसरे को टच कर रही है तो वो गई संपर्क सतह। संपर्क सतह का मतलब हमें क्या ध्यान रखना है, सतह जहां पर वस्तु रखी गई है तो वस्तु का निचला भाग जो सतह को टच कर रहा है वो दोनों की संपर्क सतह, दोनों की सतह एक दूसरे को टच कर रही है, ये संपर्क सतह। तो जब किसी वस्तु को किसी सतह पर रखा जाता है और उसको गति करवाई जाती है, सतह पर गति करवाई जाती है तो दोनों की संपर्क सतह के मध्य एक बल कार्य करता है जो उस गति का विरोध करता है यानी गति होने से रोकता है, वही क्या कहलाता है, वही घर्षण बल कहलाता है। तो सिंपल दो बातें, पहली बात तो हमेशा जहां दो सतह टच करेंगे एक दूसरे को वहां लगेगा, दूसरी बात जिस साइड में गति है उसके विपरीत चलेगा, विपरीत लगे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान रखनी है। डेरिवेशन में हम इसका यूज करेंगे, अगर टायर इधर जा रहे हैं तो घर्षण इधर लग रहे हैं, टायर सड़क पे घूम रहे हैं इधर की ओर अंदर की ओर घूम रहे हैं तो घर्षण बाहर की ओर निकल लग रहे हैं, टायर बाहर की ओर निकल रहे हैं तो घर्षण अंदर की ओर लग रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है हमेशा जिधर गति हो रही है उधर, जब सड़क पे हम गति कर रहे हैं तो टायर सीधे आगे चल रहे हैं तो घर्षण विपरीत लग रहा है, जब हम घुमाव पे हैं तो टायर बाहर निकल जाते हैं तो घर्षण किधर काम करता है, अंदर की ओर काम करता है घुमाव के। तो घर्षण क्या है, सबसे पहली बात तो कि किसी भी सतह पर जब वस्तु को गति करवाई जाती है तो संपर्क सतहों के मध्य गति की विपरीत दिशा में बल कार्य करता है उसको कहते हैं घर्षण बल। ये इसको हम लिख लेते हैं, बहुत से एग्जाम्पल है घर्षण बल की, जितनी भी गति हम देखते हैं कोई भी ऐसी गति नहीं है जो बिना घर्षण के संभव हो सकती है, कोई भी ऐसी गति नहीं है। हम खुद चलते हैं तो भी हमारे हमारे पैरों में और जमीन के बीच में घर्षण होता है, कोई बोल का कोई कह दे कि मैंने तो हवा में फेंक दी तो हवा में भी पार्टिकल मौजूद हैं, बहुत से कण उपस्थित हैं, हवा है उनको चीरती हुई बोल जाती है तो वो क्या करते हैं उसके विपरीत दिशा में गति, जो विपरीत दिशा में बल लगाते हैं उसी के कारण तो वो क्या होती है स्पीड उसकी कम होती है। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम क्या करें एक बार फेंक दे तो उसकी स्पीड कम ही नहीं होगी, वो तो उसी स्पीड से जाना चाहिए लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसकी स्पीड कम होती है। हम भी जब गति करते हैं तो एयर हम पे भी घर्षण लगाती है, पार्टिकल जो मौजूद है एनवायरमेंट में उनके द्वारा भी हम पे घर्षण बल आरोपित किया जाता है हमारी गति के विपरीत दिशा में। और भी इजी वे में हम इनको देख सकते हैं, जब हम किसी बस में किसी ट्रेन में गति करते हैं तो हवा वही है बाहर, कण वही है लेकिन उस समय खिड़की के पास अगर बैठ के देखेंगे तो हवा की आवाज भी बहुत तेज होती है तो बस क्या करती है उस हवा को चीरते हुए जाती है, उसको विपरीत दिशा में गति करती है और घर्षण क्या होता है उसकी गति के विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो घर्षण हमेशा क्या काम करता है, घर्षण हमेशा दो संपर्क सतहों के मध्य कार्य करता है और गति के विपरीत दिशा में बल लगाता है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो संपर्क सतहों के मध्य गति के विपरीत कार्यरत बल को घर्षण बल कहते हैं। ये इसको परिभाषित
अब देखो घर्षण बल किसी भी वस्तु पर किस पे डिपेंड करता है, वो उसके भार पे डिपेंड करता है। भार के अनुसार बात करें तो भार के विपरीत दिशा में जो बल लगता है प्रतिक्रिया बल लगता है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया बल पे निर्भर करता है। तो घर्षण बल की जो विशेषता है वो क्या है, घर्षण बल प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। घर्षण बल प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता, ये बात आपको ध्यान रखनी। इसी से हम इसका फॉर्मूला देते हैं। बल है तो मात्रक की कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बल है तो बल का मात्रक न्यूटन है, कैसा भी बल होता है बल का मात्रक हमेशा न्यूटन होगा। बल की विमा निकालनी किसी भी सूत्र से निकाल लो, नॉर्मली बहुत ज्यादा याद यूज करते हैं तो हमेशा याद ही रखो एक विमा, तो कम से कम एक विमा तो हम याद रख सकते हैं, MLT-2 इसका तो ध्यान रखो जहां भी यूज होती है वहां डायरेक्ट यूज करनी। तो यहाँ घर्षण बल को स्मॉल एफ से लिखते हैं, ध्यान रखें स्मॉल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये इसका रिलेशन है, स्मॉल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देन स्मॉल एफ इज इक्वल टू, जब ये समानुपाती सिंबल हटाते हैं तो हमेशा बराबर आता है, समीकरण में बदल देते हैं। ये रिलेशन है और ये इक्वेशन है। रिलेशन और इक्वेशन में डिफरेंस होता है। रिलेशन का मतलब तो किस प्रकार से निर्भर करती है, इक्वेशन का मतलब है उसके दो भाग हो गए LHS और RHS जो एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, LHS बराबर है ना, बराबर है इसका मतलब बराबर है दूसरे भाग के, तो जब भी इस समानुपाती हटाते हैं तो बराबर का निशान आता है, तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, समीकरण में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके साथ एक नियतांक आता है, यहां जो नियतांक यूज करते हैं वो है म्यू। म्यू यहां क्या है, यहां म्यू घर्षण नियतांक है, एक नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कह देते हैं या घर्षण नियतांक कह देते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट है ये, तो आगे घर्षण की बात। अगर कोई भी सतह है, इस पर कोई वस्तु हम गति करवा रहे हैं, अगर हम गति इस दिशा में करवा रहे हैं, गति इस दिशा में है, तो घर्षण का किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में घर्षण कहां लगेगा, संपर्क सतहों के मध्य, ये बात हमें ध्यान रखनी है, कहां लगेगा संपर्क सतहों के मध्य। डिपेंड किसे किस पे करेगा, प्रतिक्रिया बल पे, प्रतिक्रिया बल ज्यादा है तो घर्षण भी ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है कि कोई बक्सा अगर रखा गया है किसी फर्श पे रखा गया है, कोई संदूक रखा है, कुछ भी रखा है, कार्टून रखा है, भरा हुआ है, हम उसको धक्का दे रहे हैं और वो नहीं खिसक रहा है, इसका मतलब हमारे द्वारा लगाया गया बल घर्षण बल से कम है। घर्षण बल लग रहा है, जब वस्तु रुकी रहती है सतह पर रहती है उसमें भी घर्षण बल लगता है संपर्क सतहों के मध्य, गति होने से पहले भी लगता है, गति होने से जस्ट पहले तक भी लगता है और गति होने के बाद भी लगता है। गति जब स्टार्ट हो जाती है, जब नॉर्मली हम ये देखते भी हैं कि हम बल लगा रहे हैं दो आदमी तीन आदमी लग रहे हैं लेकिन कोई बक्सा नहीं खिसक रहा है, और फिर बाद में बल और लगाते हैं एक आदमी और लग गया चार लग गए खिसका रहे हैं और खिसकना प्रारंभ हो गया, जब वो खिसकना प्रारंभ हो जाता है तो उसको हमें यूं लगता है कि अब बल कम लग रहा है, थोड़ा थोड़ा इजीली खिसकने लग जाता है। जब तक नहीं खिसकता है तब तक हमें यूं लग रहा है जोर ज्यादा लग रहा है, खिसकना शुरू कर दे तब हमें यूं लगता है कि जोर कम लग रहा है। हम इस बात को अनुभव करके देख सकते हैं अगर कोई भारी वस्तु को खिसकाए तब। तो वहां इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गतिशील वस्तु का जो घर्षण होता है वो हमेशा स्थिर वस्तु से कम होता है, यानी जब वस्तु वही है जब गति करना प्रारंभ कर देती है तो घर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। घर्षण गुणांक का जो मान है वो सतह के पदार्थ पर निर्भर करता है कैसा है, इसीलिए एक बोल अगर हम लें और उस बोल को हम गति करवाएं किसी फर्श पे गति करवाएं, और वही बोल है उसको हम रेत में गति करवाएं, और वही बोल है बाहर बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं कंक्रीट बिखरी हुई है उस पे गति करवाएं, तो तीनों में बल लगाने वाला एक ही आदमी है, समान बल लगाता है, एफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एफ समान है, क्योंकि कैपिटल एफ बल की बात कर रहे हैं, एफ समान है तीनों के लिए, लेकिन फिर भी बोल अलग अलग दूरियां तय करती है, हमें पता ही हम सिंपल कह सकते हैं फर्श पे ज्यादा दूरी तक जाएगी, मिट्टी पे कम जाएगी, कंक्रीट पे और भी कम जाएगी, क्यों, क्योंकि सब पे क्या होगा, सब पे कारण क्या है, सब पे घर्षण बल का मान अलग अलग होता है। अगर मान लो हम चल रहे हैं नॉर्मली घर्षण, देखो गति के लिए घर्षण के लिए बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सी बातें हैं, थोड़ा सा बुक से और इसकी हेल्प ले लें पढ़ लें थोड़ा, बहुत सी बातें हैं, जैसे
गति के लिए घर्षण जरूरी भी है, बिना घर्षण के गति भी नहीं हो सकती। हम नॉर्मल फर्श पे गति कर रहे हैं, इजी वे में चलते हैं, और चलते चलते अचानक एक केले का छिलका आ गया बीच में और उस पर हमने पैर रख दिया तो भी गति होती है, लेकिन वो गति प्रभावित हो जाती है। वहां पर क्या होता है, उस समय गति जो है वो असामान्य गति में परिवर्तित हो जाती है, हम गति जो है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाते और वहां हम गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जितने घर्षण की जरूरत है चलने के लिए उतना घर्षण नहीं रहता है, और घर्षण का मान क्या हो जाता है, वहां कम हो जाता है, चिकना हो जाता है, चिकना सतह चिकनी हो जाती है। हम पढ़ेंगे घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है, तो सतह चिकनी हो जाती है तो भी घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहां पर क्या हो जाता है, घर्षण कम होने से जो गति है उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हर वस्तु की गति के लिए न्यूनतम कुछ घर्षण के मान की आवश्यकता है, घर्षण की जरूरत होती है। अगर घर्षण का मान उससे कम हो जाए तो गति जो है वो सामान्य गति नहीं रहती है, परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से हम नॉर्मल चप्पल पहन के चल लेते हैं, लेकिन अगर फर्श गीली होती है तो हम फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं। तो वहां घर्षण जितना चाहिए फर्श में और हमारे चप्पल की सतह के बीच में जितना घर्षण चाहिए उससे घर्षण कम हो जाता है। बीच में एक और सतह आ जाती है पानी, वो हम बात करेंगे बाद में कि डिटेल से घर्षण को कम करने के तरीके हैं ये, उसके अंदर बात करेंगे। अभी हम घर्षण के प्रकार की बात करते हैं। घर्षण के प्रकार, घर्षण के तीन प्रकार हैं, सिंपल ज्यादा बड़ी बात नहीं, तीन प्रकार हैं। एक है स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, समय सेम आते हैं, कोई अलग बात नहीं। दूसरी है क्या लग रहा हूं, दूसरा है सीमांत घर्षण, बाउंड्री, सीमांत घर्षण, और तीसरा है गतिक घर्षण। तीनों के नाम से ही पता है, ज्यादा हम टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें। गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं इसको। अब तीनों के नाम अलग अलग है तो इनको व्यक्त करने का तरीका भी है। एफ एस से लिखते हैं इसको मैक्सिमम, इसको लिखते हैं एफ के से, के फॉर काइनेटिक, और इसको लिखते हैं एफ एस से, एस फॉर स्टैटिक, एफ फॉर फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्थैतिक, स्थैतिक मतलब स्थिर, तो जब वस्तु स्थिर अवस्था में है, किसी सतह पर रखी है स्थिर अवस्था में, परिभाषा ये लिखनी है भी बार बार में, एक वर्ड ऐड कर देना है इसमें, कि जब वस्तु किसी सतह पर स्थिर अवस्था में है तो संपर्क सतहों के मध्य गति के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। कौन सा घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, इसको किसे लिखते हैं, एफ एस। सो एफ एस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये किसके समानुपाती है, प्रतिक्रिया बल के समानुपाती है। एफ एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू एस इनटू आर। तो यहाँ बात तो वही है, डेफिनेशन वही है, एक बार तो समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इनटू आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह एम जी आ जाएगा, क्योंकि आर इक्वल टू क्या हो गया सामान्य कंडीशन में, एम जी। तो ये समीकरण भी आप ध्यान रखें, आर बराबर एम जी, तो इसको लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, हम यूज करेंगे इसका, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, या म्यू आर रखो तो आर बराबर एम जी होता है, ये भी हमें पता है। तो यहां म्यूएस क्या है, म्यूएस क्या है, म्यू तो क्या है, घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक है, लेकिन कौन सी अवस्था में, ये स्थिर अवस्था में, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो कुछ अलग नहीं है, बस आपको केवल इतना से ध्यान रखना है, स्थिति का मतलब जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो जो घर्षण गुणांक, जो घर्षण होता है, घर्षण क्या होता है, संपर्क सतहों की मध्य गति के विपरीत लगने वाला होता है, सीमांत घर्षण। अब सीमांत घर्षण, बाउंड्री, बाउंड्री कब, जब वस्तु स्थिर है, हम बल लगा रहे हैं नहीं गति कर रही है, और तेज बल लगा रहे हैं नहीं गति कर रही है, और तेज बल लगा रहे हैं गति करना प्रारंभ करती है, उससे जस्ट पहले मतलब जरा पहले कि अब गति करना शुरू करेगी, उससे जस्ट पहले बल का जो मान है, घर्षण बल का मान अधिकतम होता है, अधिकतम मैक्सिमम होता है, इसीलिए हमने इसके आगे क्या वर्ड लगा दिया, मैक्सिमम। ये एक वर्ड ध्यान रखोगे तो भी याद कर, जब वस्तु किसी सतह पर गति करना प्रारंभ करती है उससे ठीक पहले घर्षण बल का मान अधिकतम होता है, जिसे सीमांत घर्षण कहते हैं। तो यहां पर भी अभी स्थिर अवस्था में है, इसीलिए यहाँ एफ एस लिए, यहां भी एफ एस लिए, स्थिर अवस्था में है, लेकिन यहां घर्षण का मान ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या लिख दिया, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा यही होते हैं। तो यहां वही बात, एफ एस मैक्सिमम जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के, वही बात है। अभी अभी भी स्थिर है तो इसके लिए भी नियत आगे यूज करते हैं, तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, तो कोई ज्यादा नई बात नहीं है, लेकिन बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया नाम के अकॉर्डिंग। एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू आर, तो भी म्यू आर ही रहेगा, म्यू आर मतलब म्यू एस इन टू आर, स्टेटिक को म्यू एस के लिया म्यू एस इन टू आर, तो यहाँ म्यू एस क्या है, यही है म्यू एस जो है वो क्या है, यही है स्टेटिक घर्षण गुणांक। तो जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तो एफ एस, जब वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तब नहीं, गति करना प्रारंभ करती है उससे ठीक पहले, थोड़ा पहले, जस्ट पहले, एक सेकंड पहले कह सकते हैं, उस समय घर्षण बल का मान अधिकतम होता है, उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। तीसरी बात, जब वस्तु गति करना, गति कम तो गति कर रही है, जब वस्तु गति करती है उस समय घर्षण बल का मान जो होता है, जो घर्षण होता है उसको गति घर्षण कहते हैं। तो परिभाषा वही है, पूरा लिखो तो आपको यही लिखना है कि जब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो संपर्क सतहों के मध्य गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। इसको एफ के से लिखते हैं, तो एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू, म्यू के क्या है, म्यू के गति घर्षण गुणांक है, बस गतिशील अवस्था में, इसलिए इसका नाम दीजिए गतिक घर्षण गुणांक, काइनेटिक फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट। तो ये लिख लिया आप इसको स्क्रीनशॉट में, और बाकी बातें बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम घर्षण के बारे में और बातें करेंगे कि घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है, ये पढ़ेंगे फिर इनसे संबंधित आगे क्वेश्चन करेंगे कुछ, तब तक आप इसको रिवाइज कर लें। थैंक यू।